भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित इस कालजयी रचना संसार में आपका स्वागत है। बुद्ध एंड इस धम्मा, ये बाबा साहेब का अंग्रेजी में लिखा हुआ ग्रंथ, जिसका ये हिंदी अनुवाद आपके लिए प्रस्तुत है। इसके अनुवाद करता है डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्या है। हमने पिछली कड़ी में देखा कि राजकुमार सिद्धार्थ और यशोधरा, इनका विवाह संपन्न हो चुका है और शुद्धोधन और दंडपाणि दोनों बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं। अब बात आगे बढ़ते हैं। राजा प्रसन्न था कि पुत्र का विवाह हो गया और वह गृहस्थ बन गया, किंतु साथ ही असित ऋषि की वो भविष्यवाणी भूत की तरह उसका पीछा कर रही थी। आपको याद होगा कि जब हमने देखा तथागत बुद्ध के उस बाल्यकाल की, उस बचपन की वो घटना, जब राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ है और असित ऋषि कपिल वस्तु के राजमहल में है, और राजमहल में आकर जब वे कहते हैं कि ये जो बालक है, ये बालक चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनेगा, ये गृहस्थ जीवन में नहीं रहेगा, ये गृह त्याग कर सन्यस्त जीवन में जाकर ये बुद्धत्व को प्राप्त करेगा, ये बुद्ध बनेगा, तो ये जो बात है, ये बात राजा शुद्धोधन के मन में हमेशा के लिए बनी हुई है। और वो आज भी इस बात के लिए बड़े सचेत है कि ठीक है, राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह तो हो गया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि असित की भविष्यवाणी ठीक ठाक हो जाए और वो सही हो जाए। तो देखिए, उस भविष्यवाणी को पूरा ना होने देने के लिए उसने सोचा कि सिद्धार्थ गौतम को काम भोगों के बंधन से अच्छी तरह बांध लिया जाए, मतलब संसार के उन भोगों से जोड़ दिया जाए, जिससे कि राजकुमार सिद्धार्थ के मन में गृह त्याग करने का विचार भी ना आए। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुद्धोधन ने अपने पुत्र के लिए 3 महल बनवाए, 3 महल अलग अलग। अब राजा है तो बनवाए अपने पुत्र के लिए 3 महल, एक ग्रीष्म ऋतु में रहने के लिए, दूसरा वर्षा ऋतु में रहने के लिए और एक तीसरा शीत ऋतु में रहने के लिए। उसने इन महलों को हर तरह के भोग विलास के साधनों से सुसज्जित कर दिया, पूरी तरह से सर्व सुविधा युक्त, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं। और वर्षा ऋतु में जो महल है वो इस बात के लिए कि ये एहसास ही ना हो कि मौसम बदलता है और बदलते हुए मौसम का कोई प्रभाव भी पड़ता है, फिर चाहे वो शीत ऋतु का हो चाहे फिर गर्मी का हो, अलग अलग महल अलग अलग ऋतु के प्रभाव को न जानने न समझने देने के लिए। अब हर महल के गिर्द एक सुंदर बाग था जिसमें नाना तरह के फूल लदे हुए थे, और इस तरह से ये महल विकसित हुए। अपने पुरोहित उदाई के परामर्श से उसने निश्चय किया कि कुमार के लिए एक अंतपुर की व्यवस्था भी करनी चाहिए, जहां सुंदरियों की कोई कमी ना हो, मतलब भोग विलास के सारे इंतजाम राजा शुद्धोधन ने राजकुमार सिद्धार्थ के लिए कर दिए, उसके विवाह के बाद भी। शुद्धोधन ने तब उदाई को कहा कि वह उन षोडशियों को संकेत कर दें कि वे कुमार का चित्त जीतने का प्रयास करें। जितने लोग राजकुमार की सेवा में हैं, उन सबको इस बात के लिए हिदायत दी गई है कि वो राजकुमार के चित्त को इधर उधर कहीं भी भटकने ना दे, अपने आप में ध्यान लगा के रखे, मतलब ऐसा ध्यान कि वो इधर उधर कहीं ना जाए।
उदय ने सुंदरियों को इकट्ठा कर कुमार का चित्त लुभाने का संकेत ही नहीं किया, बल्कि उसकी विधि भी बताई। उदय पुरोहित बड़े होशियार थे, उन्होंने इन सुंदरियों को अलग अलग तरह की विधियां बताई और फिर उन्हें संबोधित करके उसने कहा, आप सब इस तरह की कला में दक्ष हैं, आप सबको राग रंजित चित्त की भाषा का अच्छा परिचय है, आप सब सुंदर हैं, आकर्षक हैं, आप सब अपने कौशल में कुशल हैं, सबको अपने स्किल का पूरा इस्तेमाल करना है और राजकुमार सिद्धार्थ को रोकना है। पुरोहित उदय के कहने का मतलब तात्पर्य यही था, आप अपने चातुर्य से उन ऋषि मुनियों को भी जीत सकती है जो काम जीत माने जाते हैं, आप उन देवताओं को भी जीत सकती है जिन्हें केवल दिव्य लोक की अप्सराएं ही लुभा सकती है, अपनी कला, अपनी चतुराई, अपने आकर्षण से पुरुषों की तो बात ही क्या, आप स्त्रियों तक को मोह ले सकती है। मतलब इतनी आकर्षक वो सुंदरियां जो उनके अंतपुर में रखी गई थी और उनको पुरोहित उदाई जो है वो हिदायत दे रहे हैं, सूचनाएं दे रहे हैं, उनको कुछ टिप्स दे रहे हैं, ट्रिक्स बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। आप अपने चातुर्य से काम लें और अपने अपने क्षेत्र में आप सब इतने कुशल हैं कि आप सबके लिए कुमार को काम रूपी रज्जु में बांध कर अपने वश में कर लेना किसी भी तरह कठिन नहीं हो सकता। नवागत वधुओं को जिनकी आंखों पर लाज शर्म का पर्दा पड़ा रहता है तो ये शोभा देता है कि वे संकोच से काम ले, आप सबको नहीं। मतलब किस तरह से इन अंतपुर की सुंदरियों को पुरोहित उदय ने चेताया है और हिदायत भी दी है। निस्संदेह यह वीर भी महान है, लेकिन इससे तुम्हें क्या, स्त्री का बल भी तो महान होता है, यही तुम्हारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। स्त्री के बल का पूर्णतः उपयोग कर राजकुमार सिद्धार्थ को यही रोकना है, उसका ध्यान इधर उधर ना भटकने पाए। पुराने समय में काशी की एक वेश्या ने एक ऋषि को पथभ्रष्ट कर दिया था और उसे अपने पैरों में लिटाया था और उस महान ध्यानी प्रसिद्ध विश्वामित्र को धृताची नाम की अप्सरा ने 10 वर्ष तक जंगल में बंदी बनाकर रखा था। इस प्रकार के अनेक ऋषि मुनियों को स्त्रियां रास्ते पर ले आई हैं। इस प्रकार इस कुमार ने तो अभी तारुण्य के प्रथम प्रहर में ही पैर रखा है, इसका तो कहना ही क्या। जब यह ऐसा है तो तुम निधड़क होकर प्रयास करो ताकि राज्य परिवार की परंपरा बनी रहे। सामान्य स्त्रियां सामान्य आदमियों को वशीभूत करती है, किंतु धन्य है वे जो असाधारण मनुष्यों को वशीभूत करती है। और इस तरह से अलग अलग तरह से उन्हें हिदायत देते हुए, चेताते हुए पुरोहित उदय ने इन सुंदरियों को ये काम सौंपा कि राजकुमार सिद्धार्थ को अपने वश में रखना है। लेकिन अब ये अगला शीर्षक है कि स्त्रियां राजकुमार को अपने वश में न ला सकी। उदय के ये शब्द स्त्रियों के हृदय को छू गए। उन्होंने कुमार को वशीभूत करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देने का निश्चय किया। स्त्रियों ने अपनी ओर से अपने पूरे स्किल का, अपने पूरे कौशल का इस्तेमाल करने का ये निश्चय किया, लेकिन अपनी भ्रू भंगिमाओं, अपनी अक्षी कटाक्षों, अपनी मुस्कुराहटों और अपने कोमल अंग संचालनों के बावजूद उन षोडशियों को ये विश्वास न था कि उनका जादू कुमार पर चल सकेगा। पूरा निश्चय करने के बाद भी इस बात का विश्वास वो अपने आप में नहीं ला सके कि वो ये काम कर सकेंगे। लेकिन पुरोहित उदय की प्रेरणा के कारण, कुमार के कोमल स्वभाव के कारण तथा सुरा और प्रेम मद के कारण उनका आत्मविश्वास शीघ्र ही स्थिर हो गया। अब स्त्रियां अपने काम में लग गई। कुमार की स्थिति वैसे ही थी जैसी हथिनी समूह में घिरे हिमालय के जंगल में विचरते हुए हस्तिराज की हो।
सब तरफ वो सुंदरियां बिखरी पड़ी है और उनके बीच एक राजकुमार है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिमालय के जंगल में विचरते हुए कोई हाथी चल रहा हो, और वो सारा हथिनी का समूह है। उन स्त्रियों से घिरा हुआ वह राजकुमार ऐसे ही सुशोभित होता था जैसे सूर्य देवता अपने दिव्य भवन में अप्सराओं से घिरा हो। ये उनके सौंदर्य का वर्णन है कि यदि राजकुमार सिद्धार्थ का जो वर्णन है वो कैसा है, तो बिल्कुल वे एक सूर्य देवता या फिर दिव्य भवन में अप्सराओं से घिरे किसी व्यक्ति की तरह वो दिख रहे थे। उनमें से कुछ ने रागातिरेक से उसे अपनी छातियों से दबाया, कुछ दूसरियों ने लड़खड़ाने का बहाना बना उसे बड़ी जोर से अपनी छाती से लगाया, उसके बाद उन्होंने अपने लताओं से कोमल करों को उससे कांधों पर ढीला छोड़ा और अपना भार भी उस पर डाल दिया। उनके पास में जितने जिस तरह से जो जो हथखंडे थे वो सारे हथखंडे उन्होंने इस समय राजकुमार पर अपनाने की कोशिश की। इस पूरे वक्त में कुछ दूसरियों के जिनके वस्त्र इतरों से भीगे थे उसे आज्ञा देने की तरह कहा, हमारी पूजा यहां करो। दूसरी नीलांबरा सुरा में मत्त होने का बहाना बनाते हुए अपनी जीभ को बाहर करके खड़ी हो गई जैसे रात के समय बिजली कौंध रही हो। कुछ घुंघरों का निनाद करती हुई इधर उधर घूमती थी और अपने अर्ध आच्छादित शरीर का प्रदर्शन भी कर रही थी। कुछ दूसरी एक आम्र शाखा को पकड़े खड़ी थी और अपनी कलश सदृश छातियों का प्रदर्शन कर रही थी। कुछ किसी पद्म सरोवर से आई थी, हाथ में पद्म थे, आंखें भी पद्म के ही समान थी, कुछ पद्म पानी की तरह उस पद्म मुख राजकुमार के पास खड़ी थी। कुछ अपने प्रकाशपूर्ण चेहरे पर अपने भ्रू रूपी कमान को पूरा तान कर उसकी मुख मुद्रा को के निकल बनाई, और कुछ ऐसी थी जिनकी छाती पूरी उभरी हुई थी। कुछ दूसरी ऐसी भी थी जो बुलाने के लिए एक आम्र वृक्ष की शाखा को लेकर एक फूल खिलाया और प्रश्न किया। ये इस तरह से एक पूरा वर्णन कि वो जो तीन तरह के महल थे, जो तीन ऋतुओं में राजकुमार के रहने के लिए ठहरने के लिए राजा शुद्धोधन ने बनवाए थे, उन महलों में जो अंतपुर थे, उन अंतपुरों में किस तरह सुंदरियां राजकुमार को रोकने के लिए एक से एक करतब करती थी और एक से एक हथखंडे अपनाती थी। कुछ कहती थी कि इस झील को देखो जिसके तट पर सिंधवार उगी है, मानो श्वेत वस्त्र पर एक सुंदर रमणी लेटी हुई है। अच्छा होता यदि वसंत ऋतु में पक्षियों में पैदा होने वाले उन्माद का कुछ अंश आप में भी होता, और ये अपने आप को सदा बुद्धिमान समझते रहने वाले पंडितों के विचार न होते। इस प्रकार इन प्रेमासक्त स्त्रियों ने राजकुमार के विरुद्ध तरह तरह की युद्ध नीति बरती, जितना भी वो कर सकते थे, और इतने आक्रमण किए जाने पर भी वह संयतेंद्रिय न प्रसन्न हुआ न मुस्कुराया। ये जो राजकुमार सिद्धार्थ का संयम था वो वहां होकर भी वहां नहीं थे, और उस अंतपुर में ये सब चल रहा था लेकिन वे न प्रसन्न हुए और न मुस्कुराए। उनके वास्तविक अवस्था से परिचय प्राप्त होने के कारण राजकुमार स्थिर एकाग्र चित्त से विचार करते रहे, और इन स्त्रियों में किस बात की ऐसी कमी है कि ये इतना भी नहीं देख सकती कि यौवन चंचल है, वार्धक के समस्त सौंदर्य का नाश कर देगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि जब कभी बुढ़ापा आएगा तो फिर इस सौंदर्य का निश्चित रूप से नाश हो जाएगा, और पहली बार कोई अपने आईने में अपने आप को जब देखते हैं और जब कभी चेहरे पर पहली झुर्री दिखाई देती है या फिर एक केश सफेद होता हुआ दिखाई देता है, तो वो जो फीलिंग होते हैं जो कि बुढ़ापे की ओर लेकर जाते हैं, तो कहा गया है कि भाई वार्धक्य का एक छोटा सा झोंका इस पूरे सौंदर्य का नाश कर देगा। और इस प्रकार ये बेमेल महीनों वर्षों तक चलता रहा किंतु इसका कोई फल नहीं हुआ, और राजकुमार सिद्धार्थ
बिल्कुल ऐसे ही निश्चल और संयमित होकर उन सबके बीच में विचरते भी रहे और कुछ न किए, लेकिन उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं। तो यहां इस कड़ी में हम रुकेंगे। जब अगली कड़ी में आपसे मुलाकात होगी तो आपको बताएंगे कि आगे इस कहानी में क्या घटित होता है। इस समय राजकुमार सिद्धार्थ का जो चरित्र है, उस चरित्र को हम जान समझ रहे हैं जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्धा एंड हिज धम्मा इस महान ग्रंथ में इसे लिखा है, और इसका ये हिंदी अनुवाद जो डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्या जी ने किया है। तो अब आज्ञा लेते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः मुलाकात होगी। बुद्ध और उनका धम्म।